क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमें रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, या कह सकते हैं रूट 9.3 को नंबर लाइन पर शो करना है। इस क्वेश्चन को हम दो भागों में बांटेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, रूट 9.3 को नंबर लाइन पर शो करेंगे बाय स्केल वगैरह, स्केल पेंसिल वगैरह की मदद से, ठीक है। सेकंड पार्ट में करेंगे प्रूफ कि जो हमारा रूट 9.3 जो पॉइंट आया है, या जो लेंथ आई है हमारी किसी भी लाइन की रूट 9.3, उसको प्रूफ करेंगे कि वो 9.3 ही है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आप देखते रहिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है उसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर, मतलब उसके एक उतनी लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो हमें रूट के अंदर दे रखा है 9.3, तो हम क्या करेंगे 9.3 लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये 0 और ये 9.3 तक मैं इसे ड्रॉ कर लूंगा, ये हो गई 9.3, ठीक है। इसको नाम दे देंगे हम, ये हो जाएगा हमारा ए पॉइंट और ये हो गया ओ पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको हम 1 सेंटीमीटर इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ये है ओ पॉइंट, 1 सेंटीमीटर इंक्रीज मतलब 1 यूनिट, ठीक है। तो यहां 4 से 5 तक मैं इसे इंक्रीज करूंगा, ये हो गया 5 तक, ठीक है। इसको नाम दे देंगे हम पॉइंट को बी। उसके बाद हमें क्या करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ए बी को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या जरूरत होगी, हमें मिड पॉइंट की जरूरत होगी, ए बी का मिड पॉइंट निकालना होगा। ए बी का मिड पॉइंट हम किस तरह से निकालेंगे, बी पॉइंट पर कंपास की टिप रखेंगे और इस पर क्या करना है, हमें आधे से ज्यादा कंपास खोलकर एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ लगा देनी है। इसी तरह ए पॉइंट पर रखकर जो आर्क हमने लगाई है, इसको ऊपर वाली आर्क को और नीचे वाली आर्क को कट कर देना है, और इन दोनों आर्क जो भी जहां पर भी ये पॉइंट एक दूसरे को कट करती हैं उनको ज्वाइन कर देना है। तो इन दोनों को कर देते हैं ज्वाइन। उसके बाद जहां पर भी ये मेन लाइन ए बी लाइन को काटेगी वो क्या होगा हमारा मिड पॉइंट, ठीक है। और मिड पॉइंट पर हमें कंपास रखना है, ये हमने रखा कंपास, और इसे ए तक ओपन कर लेना है, ये किया ए तक ओपन, और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये अब हमारा जो ओ पॉइंट है, ये सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद ओ पॉइंट पर हमें क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल या तो आप कंपास से बना सकते हैं या फिर डी की मदद से भी बना सकते हैं। तो ये ओ पॉइंट पर मैं रखता हूं डी स्केल और 90 डिग्री का एंगल बना देता हूं, ठीक है। ये निशान लगाया और इसे एक्सटेंड कर देंगे, कहां तक एक्सटेंड करेंगे, जब तक ये इस सेमी सर्कल को कट नहीं करता है, तो इसे यहां तक बना देता हूं, ठीक है। ये बना दिया मैंने 90 डिग्री। अब जो ये पॉइंट है हमारा, यहां पर जब ये सेमी सर्कल को कट कर रहा है, तो इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम पी। अब क्या करना है, हमें ए बी जो लाइन है, ए बी जो लाइन है इसको एक्सटेंड कर देंगे आगे की तरफ, इसे हमें मापना नहीं है, जितनी जगह है उतना एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, इतना बहुत होगा हमारे लिए। अब रूट 9.3 जो हमारा ओपी है, ये वाली लाइन जो है ओपी, ये है रूट 9.3 लेंथ है इसकी, ठीक है। इसको हमें नंबर लाइन पर लेके आना है, ये है रूट 9.3 लाइन, ये वाली, ठीक है। इसको नंबर लाइन पर किस तरह से लाएंगे, ओ पर रखेंगे हम कंपास और पी पॉइंट तक इसे ओपन कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये पी पॉइंट तक ओपन किया और इसे यहां पर मेन लाइन की तरफ आर्क लगा देंगे। जहां पर भी ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, मेन लाइन पर इंटरसेक्ट करेगी, वो हो जाएगा हमारा पॉइंट डी, और जो पॉइंट डी होगा यही होगा हमारा रूट 9.3, या फिर हम कह सकते हैं कि ओ से लेके डी, ओडी जो होगी हमारी लाइन, ओडी की लंबाई कितनी होगी, रूट 9.3, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रूट 9.3 जो हमारी लेंथ आई थी ओडी की, इसको प्रूव किस तरह से किया जाएगा। ओडी कहें या ओपी कहें, दोनों क्या है, रूट 9.3 यूनिट डिस्टेंस है इनका, ठीक है। तो लेट कर लेंगे एक्स, जो भी हमें रूट के अंदर दे रखा है उसको लेट कर लेंगे 9.3, ठीक है। यहां पर 9.3 रूट के अंदर है, तो इसी को हम कर लेट कर लेंगे, ये एक्स के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमने ए ओ क्या ड्रॉ की थी 9.3, तो ये हो जाएगी हमारी एक्स, क्योंकि यहां पर हमने लेट किया इसको एक्स के इक्वल, तो ए ओ हो गई हमारी एक्स, और ओ बी कितना था, 1 यूनिट डिस्टेंस हमने लिया था। उसके बाद सीपी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये मिड पॉइंट जो था हमारा सेमी सर्कल वाला, इसको हमने सी पॉइंट ले लिया है, तो सीपी को कर देंगे ज्वाइन, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करेंगे, मतलब अप्लाई करेंगे, जो ये हमारा ट्राइंगल बना है इस पर हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस होती है जो 90 डिग्री एंगल के सामने होती है, तो ये है सीपी, ठीक है। तो हाइपोटेनियस आ गई हमारी सीपी, इसका स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बेस
बेस का स्क्वायर, तो बेस है हमारा ओसी, ठीक है, तो ओसी का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर होता है हाइट, तो ये है ओपी, ठीक है, तो ओपी का स्क्वायर। और हमें यहाँ क्या निकालना है, हमें रूट 9.3 हमारा क्या है ओपी, तो इसी की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ओपी को यहीं रखेंगे, ओसी को दूसरी साइड भेज देंगे, ये इधर प्लस में है उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस में, तो आएगा हमारा सीपी स्क्वायर इक्वल्स टू ओसी स्क्वायर, सॉरी यहां पर आएगा माइनस, माइनस साइन आएगा क्योंकि हमने ओसी को क्या किया, इस साइड लेके आ गए हैं, ठीक है, तो यहां पर आ गया माइनस ओसी स्क्वायर इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर। और इस इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं ना, ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू सीपी स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर, ठीक है, सेम है, कोई अंतर नहीं है, बस मैंने ओपी को मैं पूरा इधर ले आया हूं, उसके बाद इक्वल टू का साइन इधर है और सीपी स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर इधर आ गए हैं, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से आपको समझना है कि सीपी और सीबी, ये है सीपी और ये है सीबी, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही रेडियस है सेमी सर्कल के, ठीक है, ये सीपी भी सेंटर से सेमी सर्कल पर जा रहा है और ये भी सेंटर से सेमी सर्कल पर जा रहा है। और इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, हमारा ये क्या है ए, ए से अगर ए बी को मैं क्या कह सकता हूं, ए बी को मैं कह सकता हूं एक्स प्लस में वन, पूरी अगर ए बी की लेंथ होगी हमारी तो वो क्या होगी एक्स प्लस में वन, तो ये लिख दिया मैंने एक्स प्लस में वन, मतलब यहां पर क्या है ए बी, ए बी बाय टू, अगर मैं इस ए बी लाइन को टू से डिवाइड कर दूंगा तो हमारी आधी लाइन आएगी जिसे हम कह सकते हैं सी बी, ठीक है, या फिर सी पी, तो यहां पर जो सी पी है उसकी जगह मैं एक्स प्लस वन बाय टू लिख सकता हूं, ठीक है, तो ओपी, ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू सीपी की जगह मुझे क्या लिखना है एक्स प्लस वन बाय टू, और सीपी का स्क्वायर हो रखा है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ओसी स्क्वायर, ओसी क्या है बेस, ये रहा बेस, ठीक है, ये वन सेंटीमीटर इधर से कम है और वन सेंटीमीटर ही इधर से कम होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी माइनस में वन, ए बी में से हमने यहां से वन माइनस कर दिया और टू से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा ओसी, तो इसे लिख सकता हूं मैं एक्स माइनस वन बाई टू, ठीक है, तो माइनस में ओसी की जगह क्या लिखना है एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू इसका स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेना, हमारी जो इक्वेशन बनेगी ये है ओपी स्क्वायर जो बनी है उसको सोल्व करेंगे, तो ऊपर क्या लगेगा एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में टू ए बी, टू ए बी, ए है हमारा x और b है 1, तो 2 मल्टीप्लाई में x, 2x, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा 2x ही आएगा, तो 2x प्लस में 1, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है, अपॉन में 2 का स्क्वायर होगा 4। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाले, मतलब इसको सॉल्व किया हमने, अब माइनस का साइन है, उसके बाद सॉल्व करेंगे हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है, 2ab, 2 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में 1, तो ये क्या होगा 2x ही होगा, ठीक है, माइनस 2x प्लस में 1, और अपॉन में क्या आएगा 2 का स्क्वायर, नीचे जो है इसका भी स्क्वायर हो रखा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, ये op स्क्वायर है, इस पर लगा देंगे रूट, ठीक है, रूट लगा देंगे आगे, यहां पर लगा देते हैं हम op स्क्वायर, रूट लगा दिया हमने, तो ये दोनों तरफ रूट लगा देंगे, ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस में वन, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं इसका और इसका दोनों का, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन यहां पर आ गया, उसके बाद माइनस, ये प्लस में है ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस में है ये प्लस, माइनस माइनस प्लस टू एक्स, और उसके बाद माइनस प्लस माइनस होता है माइनस वन, अपॉन में आ जाएगा फोर, क्योंकि हमने क्या कर दिया है यहां पर एलसीएम ले लिया है। अब सॉल्व कर लेंगे, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस में, तो इससे ये कैंसिल हो गया या माइनस हो गया कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर में से, एक्स स्क्वायर में से ये एक्स स्क्वायर माइनस हो गया, और यहां पर प्लस वन है और यहां पर माइनस वन है, तो इस वन में से ये वन आ गया, हो गया, और ओपी जो हमारा ओपी है, ओपी का स्क्वायर हो रखा है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारा आएगा ओपी, ओपी क्या आएगा, ये आएगा 2x प्लस 2x, ऊपर हमारा क्या बचा 2x प्लस 2x, 2x प्लस 2x क्या होगा 4x अपॉन में 4, ये सभी क्या है रूट के अंदर, तो 4 से 4 कैंसिल, ओपी इक्वल्स टू एक्स, हमारा क्या आया सिर्फ क्या बचेगा ओपी इक्वल्स टू रूट एक्स, ठीक है, तो ये आया ओपी इक्वल्स टू रूट
एक्स, और ओपी हमारा, अगर हमारा ये एओ एक्स था, मतलब ये 9.3 था, तो ये क्या आया, एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूं, लिख देते हैं यहां पर, तो ओपी आया हमारा रूट एक्स, ठीक है, रूट एक्स यानी कि जो हमने यहां पर लाइन ड्रॉ की होगी एओ, वही रूट के अंदर यहां पर इसकी लेंथ आएगी, ठीक है, और ओपी और ओडी इक्वली होंगे, वो मैं बता चुका हूं आपको। तो यहां पर जो एक्स है हमारा ये है 9.3 और यहां पर रूट 9.3, मतलब ओपी की लेंथ क्या आई, रूट 9.3। इस तरह से इसे प्रूव किया जाए।